राजधानी में बुधवार को कोरोना के 88 नए मामले सामने आए, जबकि संक्रमण दर मामूली रूप से 0.9% से बढ़कर 1.1% हो गई। 24 घंटे में कोरोना के 82 मरीज ठीक हुए। राहत की सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 5 दिन में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। मौजूदा समय में दिल्ली में कोरोना के 392 सक्रिय मरीज हैं, जिसमें 40 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। इनमें से 4 मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर और 12 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। कंटेनमेंट जोन की संख्या है। बुलेटिन के अनुसार संक्रमण के नए मामले एक दिन पहले 5,680 नमूनों की जांच में सामने आए। इसके साथ ही दिल्ली में कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 20,03,207 हो गई है, जबकि मृतकों की संख्या 26,501 पर बनी हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दिल्ली में कोरोना के 59 लोग रिकवर हुए हैं। पिछले कई दिनों से दिल्ली में कोविड-19 के नए मामलों में गिरावट देखी जा रही है। बुलेटिन के अनुसार दिल्ली में कोविड-19 के उपचाराधीन मामलों की संख्या 392 है। कुल 282 मरीज घर पर पृथकवास कर रहे हैं। कोरोना से जुड़ी हर खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।